एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति से 875 बीएड कॉलेज बंद होने की नौबत आएगी, कोर्स के प्रति घटेगा रुझान। नमस्कार, मैं कविता, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कविता इज हेयर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, क्या है इनसाइड स्टोरी, जान लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 सालों में हुई भर्तियों से बढ़ा था कोर्स में एनरोलमेंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कई सवाल खड़े हुए। सरकार नई शिक्षा नीति में बीएड को लेकर बदलाव की घोषणा तो कर दी है, लेकिन नीति अभी क्लियर नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि बीएड कॉलेज बंद होंगे और सामान्य शिक्षा के साथ ही बीएड होगा, कोर्स 4 साल का होगा। सवाल ये है कि सामान्य शिक्षा के अलग नियम होते हैं और बीएड के अलग, इसलिए बीएड कॉलेज बंद होंगे तो सामान्य शिक्षा के कॉलेजों में किस तरह से पढ़ाई होगी। बीएड की फैकल्टी की अलग डिग्री होती है, ये फैकल्टी कहाँ से आएगी। अभी सरकार ने बहुत अधिक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। नए प्रावधानों में छात्र ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री भी ले सकेंगे, इसका उन्हें फायदा होगा। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन लागू होने पर संकट गहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। वर्तमान नियमों के आधार पर देखा जाए तो अगर कोई बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर 1 या 2 साल बाद छोड़ देगा तो वह शिक्षक नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 साल पर उसे केवल सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पर डिप्लोमा। भविष्य में इसे शिक्षक भर्ती में कंसीडर किया जाएगा या नहीं, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिछली नौकरियों के कारण ही बीएड में बढ़ा था रुझान। पिछले 4 सालों में शिक्षकों की बंपर भर्तियां हुई, इससे बीएड के प्रति रुझान बढ़ा। बीएड एंट्रेंस पीटीआई टीईटी में भी करीब 5 लाख छात्र भाग्य आजमाते हैं। नेक्स्ट वन, नई नीति के कारण बीएड डिग्री 10 साल बाद होगी बेकार। एक्सपर्ट बताते हैं कि अभी जिन्होंने बीएड की डिग्री ले रखी है, ये डिग्री 10 साल बाद बेकार होगी। 10 साल बाद नई शिक्षा नीति के तहत ली गई डिग्री ही मान्य रहेगी। नई नीति से बीएड के प्रति रुझान कम होगा, कई कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती है, ऐसे में बीएड कॉलेजों को बंद करने की नौबत आएगी।